शादी के बाद इसे अपना हम सफ़र सिर्फ चंद दिन ही अच्छा लगता है, फिर इस इंसान को अपने हम सफ़र से बोरियत महसूस होने लगती है और फिर इंसान को अपनी पुरानी नामहरमों से दोस्तियां याद आती हैं और फिर वो अपने हम सफ़र को धोखा देकर इन पुरानी दोस्तियों को दोबारा हमवार करना चाहता है। और ये बिल्कुल हकीकत है कि जो भी शख्स शादी से पहले बहुत सारी दोस्तियां लगा लेता है तो फिर शादी के बाद इसे सिर्फ अपने ही शोहर या अपनी ही बीवी के साथ टाइम पास करना, बातें करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ज़्यादातर ये बीमारी मर्दों को लगी होती है, लेकिन अगर इस बीमारी में कोई खातून लगी हुई हो तो इसे शादी के बाद अपने शोहर में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रहती, क्योंकि शादी के बाद बीवी शोहर के मातहत रहती है और शोहर बीवी की गलत बात पर गुस्सा करता है और शोहर बीवी के वो नखरे नहीं उठाता जो नामहरम दोस्त मज़े लेने के लिए उठा रहे होते थे। तो बीवी अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपने पुराने नामहरम दोस्त को शोहर की बातें बताती है और ये नामहरम शख्स इस खातून से बहुत ही ज़्यादा हमदर्द बनकर नरम और अच्छे मिजाज के साथ बातें करता है, ऐसी ऐसी मीठी बातें करता है कि औरत इसे अपने शोहर से ज़्यादा अपने लिए हमदर्द समझ लेती है। हालांकि ये नामहरम मर्द सिर्फ मज़े हासिल करने के लिए इस शादीशुदा खातून से मीठी मीठी बातें करता है और अशारतन ये भी कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। हालांकि ये प्यार नहीं होता, सिर्फ गुनाह का मज़ा होता है जिसे शैतान प्यार की सूरत में औरत को दिखा रहा होता है और फिर इस गुनाह की नहुसत से बीवी को अपना शोहर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, शोहर की हर बात बीवी को जहर लगती है और फिर बीवी बस यही चाहती है कि शोहर घर से बाहर ज़्यादा रहा करे ताकि मैं अपने हमदर्द आशना से बातें कर सकूँ। मैंने आज ये बात इसलिए लिखी कि आजकल मुझे ऐसे बहुत से किस्से सुनने को मिलते हैं, बहुत से केस देखने को मिलते हैं, इसलिए ये तल्ख हकीकत बयान कर रहा हूँ। शायद मेरी इस बात या तहरीर पर ख्वातीन को मुझसे शदीद इख्तलाफ भी हो, लेकिन मैं ये बात वाजे कर दूँ कि मेरी ये बातें सब ख्वातीन के लिए नहीं हैं बल्कि वो ख्वातीन जो गलत करती हैं। खुलासा सिर्फ ये सारी गुफ्तगू का, जब इंसान हलाल रिश्ते की कदर नहीं करता और हलाल रिश्ते पर इत्तफा नहीं करता और हराम लज्जतों में लग जाता है तो फिर अल्लाह ताला हलाल लज्जत को छीन लेता है और फिर इंसान को गुनाह करके वक्ती सुकून तो मिल जाता है लेकिन दायमी सुकून हमेशा के लिए ज़िंदगी का बर्बाद हो जाता है।